कोशिश ये करनी चाहिए जब तक अपने माँ बाप के पास रहे उनकी सेवा करें। अरे जिसने पाले जब चलना नहीं आओ था ना आड़े बिठा लिया करते सर पे कंधे पे। और आजकल के बच्चे दुख होता है कहते हुए जब वो नहीं चल पाते तो धक्का दे देते हैं घर से और वो समय भूल जाते हैं कि जब हम नहीं चल पाते थे जब हम कपड़े गंदे करते थे कोई और दूसरा आदमी लगाया करता मेरी माँ आया करती। कौन कौन मानता है इस बात को? आइए एक भजन। अगर मैं नहीं कहता जागरण कराओ कीर्तन कराओ भजन करो दान पुण्य अच्छी बात है करो लेकिन सबसे बड़ी चीज जो करनी चाहिए वो क्या? घर में जो भगवान बैठा है ना उसकी सेवा करो। उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। और जिसने उसकी सेवा कर ली जिसने माँ बाप की सेवा कर ली और खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास दोनों हैं। कदर उनसे जाकर पूछो जिनके पास एक ही है या एक भी नहीं। उनको पता है कदर माँ बाप की कदर क्या होती है। आइए एक भजन की तरफ लेके चलूंगा। भजन के समय का कि उस लड़के की उम्र 8 वर्ष सर से बाप का साया चला जाता है। गौर करिएगा इस भजन में बड़ी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उस समय इतना लाचार था कि उस समझ ही नहीं घर में क्या हुआ। 7 साल के 6 साल के बच्चे को क्या पता कि घर में क्या हो गया। लेकिन एक लगन लगी इसके नाम की बाबा के नाम की। बाबा के दरबार में जाता था छोटा था तब तो ये देखता था कि हाँ है मेरे चाचा हाथ जोड़ते हैं मुझे भी हाथ जोड़ने बस वहां से ये चीज सीखी। लेकिन फिर ऐसा दीवाना हो गया ऐसी लगन लग गई जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही भक्ति बढ़ती रही दरबार में आना जाना बढ़ता रहा। आइए अब मैं उस बच्चे की हालत बताता हूं कि जब वो 12 से 13 वर्ष का हुआ स्कूल में गया तो उसके साथ क्या बीती। आइए इस भजन में आंख बंद करके बालाजी महाराज से एक प्रार्थना करी क्योंकि सभी कुछ उसको मान लिया अपना माँ भी अपनी बाप भी। हीर लाल लंगोटे आले हो मोसा जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट प्लीज इनको ले जाओ आप वहां बैठ जाओ प्लीज। मैं इस भजन में बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहूंगा मेरे को तोड़ो मत इमोशन मत तोड़ो वहीं रहो आओ। हीर लाल लंगोटे आले तू मेरा ध्यान राखिए ओ फस्या पड़ा मझदार बाबा पार तारिए। कभी बैठना उस बच्चे के साथ जिसके सर पे बाप का साया नहीं हो जुड़ना उसके साथ क्योंकि उसको पता है इसलिए कहां कहां कमी महसूस होती है बाप की। आइए आंख बंद वाला जी महाराज के चरणों में ध्यान जुड़ेंगे सभी। हीर लाल लंगोटे आले तू मेरा ध्यान राखिए लाल लंगोटे आले तू मेरा ध्यान राखिए ओ फस्या पड़ा मझदार बाबा पार तारिए लाल लंगोटे आले तू मेरा ध्यान राखिए फस्या पड़ा मझदार बाबा पार तारिए ओ लाल लंगोटे कोई
कोई सहारा रे, अपने वरदानों का बाबा कद खोलोगे पिटारा रे, कद खोलोगे पिटारा रे, कद खोलोगे पिटारा रे। ओ बाबा, हे बालाजी महाराज, खाली रझोड़ी ओ मेरे बाबा, खाली रझोड़ी ओ मेरे बाबा, खाली झोड़ी लाया बाबा भर के खा लिए, खाली झोड़ी लाया बाबा भर के खा लिए। ओ फसा पड़ा मजदार बाबा पार तारिए, लाल लगोटे कभी उस बच्चे से पूछना, जब स्कूल में पीटीएम होती थी, डेस्क पे बैठे, पीटीएम भी तो अच्छे तरीके से होती है स्कूलों में, डेस्क पे बैठे टीचर बोल रहे, हाँ भाई सुमित आपके पापा नहीं आए, आ रहे हैं, बोला था आ जाएंगे, हाँ भाई आपके पापा नहीं, आपके पापा नहीं आए, हाँ भाई ईशु आपके पापा नहीं आए, मैं देखू चौकट के ना होगा होगा मेरा पापा, देखते रह गया, भूल गया बात चीज। दो तीन मिनट बाद होश आया, ओ हो मेरी गलती, दूसरी बन रही। तो कदर करो माँ बाप की, उठा के लंबे लंबे हाथ, बाबा मेरी माँ मेरे बाप सब कुछ आप हो बाबा, चाचा ताई दादा दादी सब कुछ आप हो बाबा, चाचा चाची, चाचा चाची दादा दादी तू है मात पिता मेरा, नाथों के नाथ हो बाबा सर पे चाहूं हाथ तेरा, सर पे चाहूं हाथ तेरा, सर पे चाहूं हाथ तेरा, और नहीं कुछ मांगू बाबा मैं तो चाहूं साथ तेरा, मरते दम तक बालाजी मैं गाऊं भजन दिन रात तेरा, गाऊं भजन दिन रात तेरा, गाऊं भजन दिन रात तेरा, मैं गाऊं भजन दिन रात तेरा, गाऊं भजन दिन रात बाबा। अरे रिजल्ट आया करते बच्चों के, बाबा रिजल्ट आया, अरे जिनके 40% नंबर डिग्री को माते जाओ न्यू, वो भाई क्या होया पापा ने कही थी पास हो जा गाड़ी दिवा दूंगा, अरे मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा, मैं किस दौर जाऊं, अरे मैंने टॉप कर रहा, मैं किस दौर जाऊं, कुछ नहीं सब कुछ मान लो ईश्वर परमात्मा को। अरे इकला रे चालू मेरे बाबा, इकला मैं चालू मेरे बाबा, इकला मैं चालू डर लागे मेरी गैल्या चालिए, इकला चालू डर लागे मेरी गैल्या चालिए, ओ फसा पड़ा मजदार बाबा Thank you.
एक बात जोड़ूंगा अलग से, ये तो चल रहा है। एक तो जो ये बैठे हैं ना, ये या बैठी मेरी टीम, मैंने तो भाई साहब कुछ भी गाना नहीं आता। मैं मानता हूँ, स्टेज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता। ये चला रहे मैंने, और ये अपने अपने लाइन के अपने अपने मास्टर हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे उसके उस्ताद हैं, नहीं समझ लो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इतने गुणी आदमी हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। और पता नहीं कितने, मैं पूरी जिंदगी नहीं सीख पाऊंगा इतना जितना इनको भी आता है। मैं कितनी कोशिश कर सकता, पर सच्चाई है भाई, गुरमीति है। कोई कोई एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को, मैं करता हूँ एक्सेप्ट। मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी जड़ कहाँ है। और असली आदमी वो जो बड़ी सच्चाई एक्सेप्ट करे। बोर बड़ाई मना अंडा ना, तू न्यू वो कोई नहीं, वो नकली आदमी है सबसे, जो अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करता। असली मर्द वो है जो अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करे कि हाँ तू इतने पानी में है, मेहनत कर और ऊपर आऊंगा। और दूसरी बात ये, चलो पिताजी नहीं थे लेकिन मेरी माँ ने संभाला, माँ का प्यार बाबू का प्यार सारा दिया। और ये भी उस बाबा का ही चमत्कार था कि मेरी माँ को शक्ति दी। तो जो भी कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, कदम कदम पर ये था। वहां एक भगत ने पूछा कि बाबा जब मेरे घर में सुख के दिन थे तो चार पैरों के निशान थे, लेकिन बाबा सच कहती है दुनिया दुख में साथ छोड़ जाते हैं सभी। बाबा मेरे दुख के समय में मैंने देखा तो दो पैरों के निशान। बोला यही तो तेरी भूल है, वे दो पैरों के निशान मेरे थे, मैंने तुझे गोद में उठा रखा था। तेरे भवन में आ गया बाबा, आड़ दो करते हुए। बस इतना करना कि कोई बिना बाप का कोई बाड़ा दिख जाना उससे धमकाई हो, क्योंकि बाप वाला तो बाज का बाप की गोदी में चढ़ जाएगा। वो कितना जाओ एकला बैठ करो, बस धमकाई हो। तेरे भवन में आ गया बाबा, तू ही है आस मेरी, तू ही है आस मेरी, तू ही है। हाथ में ध्वजा नारियल, एक हाथ दरखास्त तेरी, एक हाथ दरखास्त तेरी, एक हाथ दरखास्त तेरी। जीत भगत जी गुरु बिनाया, कोन्या बुद्धि पास तेरी। जीत भगत जी गुरु बिनाया, यीशु गोड ने 24 घंटे बाला जी से खास तेरी, बाला जी से खास तेरी, बाला जी से खास तेरी, बाला जी से ख्यास तेरी, बाला जी से ख्यास तेरी, बाला जी से ख्यास तेरी। और ईशु, चाहे ईशु हो, चाहे प्रवेश हो, चाहे लक्की हो, एक बात याद रखना, धर्म की जड़ हरी है। राम का नाम मत लियो, मत लियो, माँ बाप की सेवा करो, धर्म करो, करो राम नाम की, राम नाम की, राम नाम की गंगा में मड़ मड़ के नहालिए, राम नाम की गंगा में मड़ मड़ के नहालिए। ओ कसा पड़ा मझधार बाबा पार तारिए, ओ लाल लोटे आए तू मेरा। और सुन ले मम्मी, अपने अपने मम्मी ने कह दियो सारे जितने बालक हैं छोटे छोटे, पढ़ना है जीवन में, और इतना पढ़ना है किसी की हिम्मत ना हो कुछ कहने की। और अपने मम्मी से बोलना, अनपढ़ का जमाना री माँ पाछे जानिया, अनपढ़ का जमाना री पाछे का समाना री माँ पाछे जा लिया, अनपढ़ का समाना री माँ पाछे जा लिया। पहले होते थे रिश्ते, कितने किले भाई, 70 किले आओ ब्याह दो, कितने किले 100 किले, कितनी भैंस ले रहा 50 ब्याह दो। लेकिन आज छोरा सरकारी है, सह
ब्याज ना रुक जा क्यों ये मैं छाट कर लूंगा तुमने सरकारी नौकरी आना चाहिए तो मैं भी तेरी चॉइस लाऊंगा अपनी तुमने मम्मी से ये बात करी मम्मी पढ़ाई इतना मैं पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा तू मेरे वक्त कोशिश तो कर अनपढ़ का जमाना हरी मां पाछे जा लिया अनपढ़ का जमाना हरी मां पाछे जा लिया हो जाऊंगा स्कूल में खड़काल पा लिया अनपढ़ का जमाना हरी मां पाछे जा जाकी बाबा श्याम के घर पे